मेक सम नॉइस फॉर देसी बॉयज। ओह भाई कितना गर्म है भाई, कितना गर्म है गाइस। तो मैं क्या करूं, मैच के अंदर गर्म है और कोलकाता में तो ऑलरेडी गर्म है। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है, गर्मा गर्म स्वागत है ब्रांड न्यू मैच के अंदर, ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो क्या चल रहा है मेरे भाई लोग, तो फाइनली आज हमारा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर, आईसीसी मेन वर्ल्ड कप के अंदर। जैसे हम लोगों ने अभी तक 3 मैच खेल चुके, 1 मैच हार चुके हैं, शाबाश बेटा। और हमारा टोटल 4 मैच बाकी है। हाँ, 4 मैच ही बाकी है। इसके अंदर हम लोगों को क्वालिफाई करने के लिए 4 मैच जीतना पड़ेगा। आज का मैच तो और भी इंपॉर्टेंट है, इज्जत का भी तो मैच है भाई, जीतना तो जरूर पड़ेगा। तो उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे ठोक देना, और वीडियो को करना जरूर लाइक, क्योंकि आज का मैच इंडिया पाकिस्तान होने वाला है धमाका। तो चलो भाई आओ फटाफट से मैच को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुकी है, अभी सुबह 4 बज रहे हैं इसलिए। चलो चलो चलो, अभी हम लोग सीधा आ चुके हैं मैच के अंदर। अभी होगा टॉस टाइम, देखिए टॉस सबसे महत्वपूर्ण। अच्छा, आज हम लोग को कॉल करने का मौका मिला, चलो टेल देते हैं आज भाई। और सबसे बड़ा यहाँ पे अंपायर सिक्के उछलते क्यों भाई, कोई कप्तान उछले गए यहाँ पे। लो भाई हर बार की तरह हम लोग आज भी टॉस हार कर पाकिस्तान ने बोलिंग लिया। अच्छी बात है, हम लोग को बैटिंग दिया भाई, हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, फेलेंगे आज। हमारे सलामी बल्लेबाज रोहित सप्तान, रोहित सप्तान बोल रहे हो, रोहित कप्तान रोहित शर्मा एंड शिखर धवन। वाह वाह वाह। पर कोई न्यू प्लेयर अब तक क्यों ऐड नहीं किया पता नहीं यार, मतलब बहुत कम ऐड किया भाई, पता नहीं न्यू अपडेट के बाद लगता है नेक्स्ट अपडेट के बाद ऐड कर सकते हैं। चलो पहली गेंद हवा में, ये क्या हो गया भाई, पहली बॉल में विकेट मिल गया। मतलब हम लोग भाई जिस तरह से माना जाते हैं भाई उस तरफ तो नहीं जाता है भाई, फील्डर के पास कैसे आता है भाई, हम लोगों ने गैप में खेला। चलो पिछले मैच के रोहित शर्मा अच्छा खेला, इस मैच के रोहित शर्मा ने 0 बॉल के वापस ले गई, बहुत बुरा हुआ। अभी विराट कोहली आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 84 का बैटिंग रेट, मतलब बैटिंग स्ट्राइक रेट, मतलब स्ट्राइक रेट तो दिखा नहीं है अभी तक, अच्छा बैटिंग परसेंटेज बोल सकते हैं यहाँ पे। पर लिटरी बोल रहे हो अभी तक हम लोगों ने खाता नहीं खोला, पर विकेट की खाता खुल चुकी है उन लोगों का भाई, क्या बात है, इतना गजब का बेइज्जती। पर कट शॉट खेलना बहुत ही मुश्किल हो रही है, पर मुश्किल है भाई, पर ये लोग इतना जोर से थ्रो करते हैं ना भाई, ओवर तो कभी नहीं होता। ये शॉट भी हम लोग सेम टू सेम खेलेंगे, पर गैप में खेलेंगे हम लोग, ये गैप में गए, ये गैप में गए, ये बॉल जा गया पर सीधा बाउंड्री की ओर भाई, ये बॉल से बाउंड्री की ओर भाई, जा रहे भाई, बॉल जा रहे जा चुके। अरे अपुन का भाई है, अरे बॉल अपुन का भाई है, पर इसके अंदर भाई बारिश का ऑप्शन नहीं भाई, चिंता मत करो, पिच गिरा नहीं होगा, आराम से बॉल जाएगा चौके के अंदर, बोल रहा था पॉके के अंदर। अरे आप और इसके अंदर प्रो है भाई, हम लोग है प्रो क्रिकेटर भाई, हर गेम में तो हर गेम के अंदर चौके छक्की बारिश करते हैं भाई, बारिश क्या होगा भाई, हम लोगों ने पहले ओवर के अंदर फेल दिया भाई। ये लोग सोच रहे थे भाई पहले ओवर के अंदर हम लोग बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे, पर देखो भाई ऐसा करके हम लोगों ने 2 बॉल में 2 चौके बटोर लिए, 1 विकेट के, तो क्या बात है भाई, आई ना 2 चौके, बात तो सही है भाई साहब। शिखर धवन को देखिए कितना हंसी लग रहा है भाई, शिखर धवन सेफ टू सेफ लग रहा है, विराट कोहली का लेफ्ट हैंड खड़ा कर दिया यहाँ पे, लिटरली भाई, नॉट लेटरली, यहाँ पे सिंगल बच गया भाई, 10 रन तो आ गया। इधर खेले शॉट को भाई, चारों तरफ फील्डर ही फील्डर, हम लोग उठा के नहीं खेल सकते भाई, ग्राउंड शॉट ही खेलना होगा, ये शॉट है पर चार तो नहीं जाएगा भाई, बॉल क्यों नहीं जा रहा यार, अरे बॉल के अंदर गिर रही है, पानी के अंदर मार रहे भाई, बॉल जाता ही नहीं है भाई बाउंड्री की ओर भाई, कोई बात नहीं सिंगल आई है। पाकिस्तान के बॉलर भाई खड़े खड़े क्या सोच रहे भाई, बॉलिंग करो जल्दी से भाई, क्योंकि 20 बॉल बाकी हम लोगों भाई, 20 बॉल के अंदर भाई लिटरली 50 एटलीस्ट जड़ना ही है। ये क्या भाई लिटरली क्या, ये कैच होगा, कैच मिस कर दी भाई साहब, इसके अंदर कैच मिस भी है, ये तो बाउंसर भाई, ये सेकंड बाउंसर, ये तो इस ओवर के अंदर 9 बॉल तो होना चाहिए यहाँ पे, सिंगल फटाफट से आउट हो गया। अरे ये भाई इतना तेज भाग उठाया था हम लोगों ने, ये क्या बात है, अरे 9 बॉल भी हुआ प्लस रन आउट भी हुआ भाई, ये कौन सा स्कैम है भाई, ये सिचुएशन पहली बार हुआ भाई, मतलब बॉल भी हुआ रन आउट भी हुआ, उसके अंदर रन आउट भी हुआ भाई, क्या बात है। शिखर धवन वापस गई 6 करके, ठीक ठाक खेल रहा था यहाँ पे, शे अभी दोनों बल्लेबाज जा चुके हैं भाई, दोनों बल्लेबाज हमारे क्रीज के अंदर भाई, अभी क्या, नहीं क्या भाई साहब, अरे भाई हम लोगों ने जितना तेज दौड़ा उतना तेज दौड़ा भाई, सिर्फ डाइव करने के लिए एक बटन दबाना था, वैसे बटन दबाने से पहले उन लोगों ने हमारा विकेट हिट कर दी, पर रिप्ले देखो एक बार भाई, मतलब मैं बटन दबाने जाता था यहाँ पे डाइव का, उससे पहले यहाँ पे टच कर देखो भाई, डाइव करने के लिए थोड़ा झुक भी किया था यहाँ पे, पर यहाँ पे हिट कर दी। सबको बनना है धोनी भाई, सबको धोनी बनना है, फास्टेस्ट स्टंपिंग करना है भाई। लो भाई कोहली यहाँ पे गया है 30 रन करके, बहुत सही खेल रहा था भाई, दोनों ही एकदम न्यू बल्लेबाज है भाई क्रीज के अंदर भाई, पर हम लोग के उठा के खेला भाई, यही शॉट में तब से खेलना चाहिए था भाई, पर कैच नहीं भाई, हम लोग रन से घुसाएंगे भाई, अरे हम लोग को और भी रन लेने चाहिए थे भाई, हम लोगों ने से 2 लिया, पहले ये लोग बॉल को थूक लगा के पूरा गीला कर दिया भाई, पर गीला करके तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को मारने में ईजी होगा, मारो तो बॉल स्लिप तो आराम से करेंगे यहाँ पे, पर 2 रन आराम से मिलने चाहिए, पर 50 कैसे क्रॉस करेंगे भाई, बाकी से 2 ओवर बाकी है लिटरली भाई, और भी सारे कितने बॉल देना चाहिए था हम लोग को। अभी बॉलिंग करने आ चुकी है
स्किल, देखते भाई हमारे मैच के अंदर कितना स्किल घुसा सकते हैं यहाँ पे। पर भाई कितना टाइमिंग करो भाई, कितना टाइमिंग करो भाई, थोड़ा यहाँ पे मतलब भाई परफेक्ट टाइमिंग हो जाए भाई। मतलब परफेक्ट टाइमिंग करना इतना मुश्किल है भाई, एक बाउंड्री बने तो क्या 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 फिर से रन आउट। आप लगता है रन आउट डे है भाई, रन आउट डे, तो आज से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे रन आउट डे। आज का डेट कितना है, हाँ 18 अगस्त रन आउट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे वापस जा रहे हैं पे सात करके, हम लोग भाई भाग भाग के चारा लेना पड़ रहा है भाई। मतलब इतना टफ सिचुएशन हो चुके भाई, पता नहीं भी आज लगते बाउंड्री आएगा ही नहीं भाई, सिर्फ दो बाउंड्री आई है भाई, उसके बाद बाउंड्री आई नहीं है यहाँ पे। और लिटरी कब तक बाउंड्री के लिए वेट करता रहा हूँ भाई। हाँ भाई लेट जाओ भाई, पूरा ही लेट जाओ भाई, पूरा ही लेट जाओ यहाँ पे मैदान के अंदर। सुबह भाई क्या कर, मैंने बटन दबाया नहीं भाई, मतलब रन लेने गया उठते क्या फिर से भाग गया भाई, बस हो गया रन आउट यहाँ पे। अब बना बोला भाई, मैंने बोला आज रन आउट डे है भाई, 18 तारीख है हमारा रन आउट डे भाई, याद रख के रखना भाई ये सब पंदा आउट भाई। फिर से मत ला लेना भाई, फिर से ऐसे रन मत लेना भाई, क्योंकि एक बार तो सीख हो चुकी हो भाई। मेरा कैमरा नड़ गया कैसे भाई, कैमरा हिल कैसे गया भाई, लिटरली पे डर लग रहा है भाई। ऐसे ही मैच के अंदर फ्लॉप जा रहा है भाई, 41 रन हम लोगों ने भाग भाग के 40 कर ली। पाकिस्तान के ऐसा मैच होगा मैंने कभी सोचा नहीं था भाई, मतलब एक ही भी बाउंड्री हम लोग को आज नहीं मिला भाई। 46 ऐसे ही लेटते जाओ भाई, थोड़ा सा बाउंसर आ रहा है, बाउंसर अंदर के अंदर भाई हम लोगों को नहीं भाई, थोड़ा लेट टाइमिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट टाइमिंग करना पड़ेगा। वो भाई साहब ये इनिंग्स भाई लास्ट बॉल है भाई, लास्ट बॉल के अंदर भाई, लास्ट बॉल के अंदर उठा के खेल रहे भाई, यही जोर में तब से खेला जाता था भाई। अगर टाइमिंग होता तो चौका मिलता, आई साहब बाबा चौका नहीं मिला, पर फाइनली हम लोग को 3 रन लो भाई। अब भाई साहब मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं जॉब छोड़ दो भाई, मैं इस दुनिया से रोना चाहता हूँ भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा करे नहीं, एकदम जज्बात बदल दी, सब कुछ बदल दी, क्या कर दिया यहाँ पे। तो टारगेट आज कुछ खास मिला नहीं है, पर पता नहीं भाई ये लोग कैसे बल्लेबाजी करेंगे, देखते भाई कैसे बल्लेबाजी करते हैं। आ जाओ, ओवर दिया हम लोगों ने कुमकुम कुमार को भाई, इसके अंदर जो बॉलिंग का स्टाइल है ना भाई वो सबसे बेस्ट लगता है। मतलब बॉल को जैसे भी चाहो वैसे घुमा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं होता। पर हम लोगों ने आज फील्डिंग भाई लिम लिम सेट किया भाई, इस बॉल को करते हैं पे थोड़ा सा यॉर्कर, मतलब रटर, मतलब बैटर लेन में करते भाई, यॉर्कर से थोड़ा ऊपर करते भाई, एकदम डायरेक्ट करेंगे विकेट के अंदर। ओ भाई साहब ये क्या सिक्स लगता है, नहीं कैच हो सकता है, कैच हो सकता है, यस पहला विकेट, पहला विकेट भाई, यही तो हम लोग को चाहिए था। जर्सी नंबर 00 तो क्या हुआ भाई, हमारा मैच का हीरो है भाई, बच्चे के दिन में आई थिंक हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया, मतलब विकेट कैच लिया यहाँ पे, और विकेट लिया भुवनेश्वर कुमार ने वाइस एसुलेस। अरे ये बॉल तो मेरी बात सुनते नहीं है भाई, जहाँ पे ड्रॉप खाने की कोशिश करूँ वहाँ पे ड्रॉप नहीं खा रहे, तो आगे ड्रॉप खा रहे यहाँ पे, पर बॉल घूम, अरे भाई बॉल कैसे घूमेगा भाई, हम लोग डाल दी फुल टॉस बॉल यहाँ पे, पर 52 रन चाहिए, ये 4 नहीं जाना चाहिए। हाँ भाई भाई चलाई बस चलिए हम लोगों ने, पर 2 ओवर के बाद हम लोग फील्डिंग खोल सकते, तब तो वेट करना पड़ेगा भाई। क्या तेज बॉलिंग जा रहा है भाई, मारना पड़ेगा, कितना तेज बॉलिंग, ओ कैच, ओहो डाइव तो मारी पर कैच नहीं हुआ रे। पर हमारा फील्डर बहुत ही आलसी हो चुका है भाई, कुछ भी करके, और भाई साहब ये कैसे बॉल डाल दिया भाई पूरा पिच के बाहर, मतलब बहुत तेज बोले, अरे भाई बहुत तेज बोले, क्यों खेलती कैंप में, पर हमारा फील्डर है तैनात, पर पकड़ नहीं पाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से चौका भाई, पहला चौका किया भाई, मतलब खेलना चालू कर रहे हैं। रियलिस्टिक तो है भाई, मानना पड़ेगा रियलिस्टिक बहुत कुछ है मानना पड़ेगा। ओ भाई साहब बाउंसर नहीं देना चाहिए था भाई, हम लोगों ने फील्डर पे सेट नहीं किया था, लिटरली रियलिस्टिक शॉट तो है मानना पड़ेगा, बोलिंग ऐसे भी रियलिस्टिक है, सुपर को ऑन नहीं लाएंगे अभी, स्पिनर से काम चलते भाई, क्योंकि स्पिनर के अंदर हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखा स्पिनर लाया डॉट गेंदू, कौन भोंक रहा है ये बदतमीज, क्या लग रहा है ना टार्जन यहाँ पे पर कोई बात नहीं, टार्जन होने का मेरा सपना था भाई, मतलब सपना नहीं था, बहुत इच्छा करते है भाई, बहुत ही मन चाहता है मैं टार्जन बन जाऊँ, पर मैच के अंदर भाई बन चुके हम लोग बिस्ट, क्योंकि अभी 15 बॉल में 37 के चिस्ट, क्या कर पाएंगे यहाँ पे हमारे प्लेयर इस्ट। ये बॉल डालने के लिए भाई कितना टाइम लगा, यही बॉल एक्चुअली हम लोग बार बार डालना चाहते, पर फिर से हम लोगों ने गलती कर दी यार, गलती कर दी, पैर के अंदर बॉल डाल दी, ये लोग रन क्यों ले रहे भाई, अच्छा 4 जा रहा है, चला क्या भाई, देख रहे रन जा रहा है, चौका जा रहा है, इसे रन नहीं ले रहा है, लिटरली ये तो स्कैम 2022 चल रहा है भाई, 2023 भी नहीं होगा, 22 चल रहा है, लिटरली इस टूर्नामेंट के अंदर भाई इतना स्कैम है पता नहीं था यार, 29 रन तो हो गया भाई, पर बाबर आजम ने अच्छा खेला भाई, 11 बॉल में 23 रन अभी तक सबसे ज्यादा रन किया है। ये आखिरी ओवर डिसाइड करेगा कौन जीतेगा ये मैच, क्योंकि भाई बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबू आजम, क्योंकि ये 5 बॉल के सॉरी 6 बॉल का डिसाइड होगा कौन जीतने वाली है। अगर इस बॉल के अंदर 6 आई है तब समझना पड़ेगा यहाँ पे 6 आ सकता है, तो अभी मैच के अंदर बना हुआ है, क्या 6 आ सकता है, नहीं 6 तो नहीं आएगा। फाइनली हम लोग ये मैच भी जीत गए, हम लोग जितना क्वालिफायर मैच खेल रहे, एक्चुअली क्वालिफायर मैच चल रहा है, हम लोग जितना क्वालिफायर मैच जीतते जाएंगे उतने हम लोग के लिए अच्छा है भाई, क्योंकि फाइनल के अंदर जाने के लिए इजी हो जाएगा, पॉइंट्स टेबल के हम लोग को सबसे ऊपर रहना है भाई। तो आज का मैच भी हम लोग जीत गए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, वो बोला नॉर्मल मैच था 15 अगस्त के दिन, पर ये तो टूर्नामेंट क्या था ना भाई, तो कल मिलेंगे हम लोग RCPL मैच के अंदर, पर आज का मैच लिटरी बहुत सही गया, पर नेक्स्ट मैच किसके साथ है मैं देखता हूँ अभी भाई, पर मैच आज बहुत ही जबरदस्त शानदार।
हार, 15 रन से मैच जीते इंडिया। ओए बबुआ, हमारा नेक्स्ट मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के साथ, और बाकी 4 मैच बाकी है सेमीफाइनल के अंदर जाने के लिए, 4 मैच के बाद सेमीफाइनल। ए बबुआ, आज का मैच कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोला गाइस। कमेंट आप लोग नहीं करते भाई, कमेंट जब तक नहीं छोड़ोगे मैं कैसे समझ पाऊंगा आप लोग को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आई थिंक आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे ठोक देना है भाई। मजा करते हैं, सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के आरसीपीएल मैच के अंदर, तब के बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज।